राम राम भाई सारे भाई दर्शक लो लाइव जुड़ गया हूँ। भिवानी में रहन महापंचायत चल रही है, गर्मा गर्म माहौल चल रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। एक मिनट, पूनम पंडित इन चंद्र ऐसे सूट रही यहाँ पर पहुँची थी महापंचायत में। और एक मिनट पूनम जी, एक मिनट चलते चलते कर लेंगे। कैसी रही पूनम पंडित जी आज पंचायत? कैसी रही पंचायत? बढ़िया भाई, अपने लोगों में आवे तो अच्छा ही रहे, वह सारा सब कुछ बढ़िया रहे। अभी कहाँ का प्रोग्राम है? गाड़ी गाड़ी है ना गुड़िया? हाँ जी है। अच्छा, अभी आगे कहाँ का प्रोग्राम आज? ये कुछ वे पास में ही कुछ वो है बॉर्डर, वहाँ जाना है। जी बिल्कुल जी, देखिए ये देखिए, ये इंटरनेशनल का है। देखिए कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा कि जूम करके देखिए, ये इंटरनेशनल यूथ गेम्स, इस पर आप स्पष्ट 2018 में नेपाल का पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मेरे फादर साहब घर बना के गए, फंडिंग का नहीं। सौरभ शर्मा मुझे सिखाते थे हारमोनियम बजाना, और मेरठ से है वो, और श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है वो मुझे सिखाते थे, उसको ज्ञान मुझे सिखाते थे, और ये सब चीजें मुझे वही सिखाते थे जो मेरे गुरु जी है श्री सौरभ शर्मा। अपना ये कोई राजनीति से कुछ वो नहीं है मैटर, हमारे तक अलग है तो ठीक है, हमारी बात चल रही थी मुद्दे की, चले गए किसान आंदोलन में, बोले बोलना चाहिए, सच की आवाज है बोलना चाहिए। ये तो अपना तो स्पोर्ट्स लाइफ रही, स्पोर्ट्स महंगा पड़ने लगा, परिवार की जिम्मेदारी बहुत रही, तो इसलिए स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ा मजबूरी सी होगी। फिर वहाँ के बाद मैं सिलाई मशीन करी, मेहनत करी, उससे पहले बहुत लोगों की बर्तन साफ, चूल्हे साफ, ये वो सब मेरी मम्मी शादियों में भी जाया करती थी काम करने के लिए दूसरों के यहाँ पर। कोई बात नहीं, समय परिवर्तन होता है, ऐसी बात नहीं कि मेरा परिवार पहले सक्षम नहीं हो, उससे पहले मेरा परिवार कई पीढ़ी बहुत सक्षम रहे हो, अपना बड़ा बढ़िया हो रहा है, तो समय के हिसाब से होता रहता है, इसमें डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं, ना टूटने वाली ऐसी कोई बात है, बस इतना बहुत है भाई। खबर है।